धन वाहिगुरु साहिब जीओ निज कर देख्यो जग तमै को काहू को नाहीं नानक थिर हर भगत है तें राखो मन माहीं निज कर देख्यो जगत में को काहू को नाहीं नानक थिर हर भगत है तें राखो मन माहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख की यानी मतलब एक कुकर्म कर लेंदी है, जड़ियां चीजा मन में रखनिया सी उन्हों विसार देंदी है, जड़ियां चीजा विसार देनिया चाहिदिया ने उन्होंने लम्मा समा अपने मन में याद रखता है, अपनी याद में वसाई रखता है। जो कुछ अंदर वसिया है उदे मुताबक मनुख का सुभाव बन जाता है। जिहो जिहा सुभाव होए उहे जे मनुख दे कर्म हुंदे ने, जिहो जिहा कर्म होवे उही जे मनुख नूं प्राप्ति हुंदी है। जे इह जी याद दा भांडा साफ करके विच गुरु के शब्द का निवास हो जाए फिर इहदा सुभाव भी गुरु शब्द अनुसारी हो जाए, इहदा वर्त विहार भी गुरु अनुसारी हो जाए। पर बंदा इस करदा नहीं। गुरबाणी विच बड़िया थावां ते सतगुरु ने यह मनुख नूं सलाह दित्ती भी तैनूं मन विच रखना की चाहीदा है। बहुत बारी जिक्र किया है, साहब का वचन पढ़ते हो, थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पहुंचे जिसका कोई उधारो, एहे वस्तु तजी न जाई नित नित रख उड़तारो। उड़ता मतलब है हिरदा अपनी सोच में रखो, पर मनुख रखता नहीं। जां को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। गुरु की मदद की लोड़ ता है मेरे अंदर एक गुरु शब्द का निवास हो जाए। मैं भुल जावा दुनिया का काम क्रोध, मैं भुल जावा ईरख करनी, मैं भुल जावा द्वेष रखनी, मेरे अंदर गुरु शब्द का निवास होवे। और ये गल चेते रखियो, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अज बचन बख्शिश किए ने, निज कर देखियो जगत में। आम करके बंदा बहुते तजर्बे जड़े दूजियां दे उधारे लेंदा है, अपने नहीं होंदे उहदे। बहुत बारी असी किसी के तजर्बियां तो लाभ लैने, पर साहब कहते तजर्बा मैं खुद नहीं करके देखिया, निज कर देखियो। मैं तजर्बा खुद देखिया होया, ये मेरा अपना अनुभव है, किसी का लिया होया नहीं है। को काम को ना है, मना तेरा सहाय किसी ने नहीं होना। नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे, उन्हों मन में रख जिस रब्बी गुणा ने तेरे जीवन का साथ देना, बाकी किसी ने नहीं साथ देना। देखो एक छोटी जी उदाहरण दिया,
मान लो मैं किसी पिछे लग के पाप कर लिया, कल मैं अदालत विच फस गया, हूँ सजा तो मैनू हुई है ना, कि मैं अदालत को लेके दे सकता है भी मेरी कमाई चो मेरी माँ ने भी खाधा सी, मेरे बाप ने भी खाधा सी, मेरे भैन भरावां भी खाधा सी, मेरे धियां पुत्तां भी खाधा सी, ते मेरी 10 साल की सज़ा चो 6 महीने माँ नू दे दिओ, 6 महीने बाप नू दे दिओ, 6-6 महीने मेरे धियां पुत्तरां नू दे दिओ, ते मैनू बरी कर दिओ। ऐसा नहीं होना बना। सतगुरु आखते ने कहिंदे बहु परपंच कर परतन लियावै सुत दारा पे आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पैली जै, कोई काहू को नहीं। अरे मन तेरो को नहीं खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। अन काई रातड़िया वाट दोही ली राम, पाप कमाम दिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली कोए तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल ना जपो रसना फिर कदो से दे आवे, तरवर बिछुने न पात जुड़ते गम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर कै सदा फिरत दुहेली। साहब कहिंदे किते रब्बी गुणा नूं अंदर धारण कर लवे, वह तेरी जिंदगी च हर थां ते कम आउंदे ने। तुसीं आम जिंदगी च देखो कोई चीज दुनिया की ला लो, कोई भी ला लो, पर जिन्ने सानू कम गुण आउंदे ने ना उन्नी होर कोई चीज कम नहीं आती। घर भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा, कार भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा, पैसा भी हर वक्त नहीं बंदा वरतदा। कोई चीज ला लो दुनिया की, कोई चीज जड़ी हर वक्त वरतदा हो, पर एक गुण है जो हर वक्त वरतदा है। मान लो मिठा बोलने का ही कोई गुण है तो वह हर वक्त ही वरतदा है, हर वक्त ही उन्हें उन्होंने गुण सत्कार दवाना है भी ये मिठा बोल दे भाई। ईमानदारी एक गुण है, वो जिथे मर्जी लोड़ पवे ईमानदारी ने हर वक्त ही कम आना है, तो ईमानदारी ने उन्हें हर थां ते सत्कार दवाना है भाई। ये बहुत बंदा वधिया भाई, रब्बी गुणा ने हर थां ते कम आना है मना तेरी, पर बंदा फिर भी उन्हें रब्बी गुणा नाल सांझ नहीं पाता। सब दा एक बचन होर के की गल अगे तोरा, जां को मुश्किल अत बने नानक थिर हर भगत है, इन्हें सदीव तेरा साथ देना, इन्हें नहीं छट के जाना। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना, जेडे नजदीक सानू भी दुश्मन बन गए, लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले रिश्तेदार माण हों भी छड़ जाना। सबो भजे आसरा, दुनिया च कोई निका मोटा आसरा भी बंदे नू नजर आता हो भी चला जाए। चूके सब असराओ, असराओ का अर्थ भी आसरा ही है, कोई आसरा कोई रह ही ना बाकी सारे मुक जा। और साहब कहते हजे भी एक घर है, हजे भी एक दर है, चूके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाह। जे किते रब चेते आ जाए कहते तत्ती वाह भी नहीं लगड़ देता, बिचो बिचो वचन कर लगा। जे को होवे दुबला, दुबला मतलब कमजोर, नंग भुख की पीर, नंग भुख जिहदे कोल कुछ भी ना हो, खाण तक ना हो, दर्द सहिंदा हो, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, उन्हूं कोई पैसा तो किसी ने की देना, वह धीरज बिना कोई दे भी कोई गल नहीं, सजना दिन माड़े चंगे आते ही रहते ने, अज माड़े आए ने कल चंगे आ जाने, कोई इन्ना शब्द बिना कहता हो। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, स्वार्थ सुहाओ ना को करे, ना कुछ होवे काज,
चित आवे उस पार ब्रह्म तो निश्चल हो गए राजा। कहिंदे रब दा चेता आ जाए तेरे सदीवी राज कैम हो जाएगा, तेरे को कमी कोई नहीं रहेगी। ओ नानक ठिर हर भगत है उन्हों संग बना। बंदे ने बड़े लोगों को संगी बनाया, सिख सखा बहुते किए, केसो कियो ना मीट, चाले ठे हर मिलन को बीचे अटक्यो चीत। एना सजना मित्रा नु बना के रब नु भोली गया भी उन्हों अपना बनाना, जबकि काम उसे नहीं आना। बाकी सारिया ने जिनी नाम बसारिया से होत देखे खे, पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते इने, मेरे मन नाम नित नित ले, जलत नाही अगन सागर सूख मन तन दे। बिरख छाया दरख दिशा जैसे बिनसत, पवन झूलत में मीन हवा नाल आया हुआ मीन, पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरे काम आपत इन तेरे काम आना है। चंगे गुणा नु धारण कर संगत बिच आके इन तेरे काम आना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मेरा निज दा तजर्बा है, मैं सिर्फ भगती कोल रखी ते मैनू की मिलिया। देखो गुरु नानक साहब के पुत्रां नूं गद्दी ना मिली, उन्होंने रौला पाया। गुरु अंगद साहब के पुत्रां नूं गद्दी ना मिली, रौला पाया। गद्दियां तक ला लियां पर मिलिया कुछ नहीं, खाली रह गए। दूजे पासे गुरु तेग बहादुर साहब नूं गुरगद्दी ना मिली, पर उहदे भतीजे नूं गद्दी मिल गई। उन्हां दा भतीजा लगदा है सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पोतरे गुरु हर राय साहब जी नूं गद्दी देती। गुरु तेग बहादुर साहब नूं गुरगद्दी नहीं मिली, वह चाचे लगते ने। भतीजे नूं गद्दी मिल गई, उम्र चो भी छोटे ने, पर कोई इतराज नहीं किया। भगती नूं रख लिया गिरदे च। एक दिन वक्त आया गुरगद्दी चल के आप आ गई। नानक थिर हर भगत है, इन्हों भगती दिल में रख के देख, अपने मन च रख के देख। फिर जो गुरगद्दी मिली उदो तुसी देखो 22 मंजिया लग गई। हुण उन्हां कोल पखंड है, गुरु तेग बहादुर साहब कोल भगती है। मैं एक बारी श्लोक तुहाडे ख्याल में फिर रखा। निज घर देखियो जगत मैं, को काहूं को नाही, मना तेरे औगणा ने, तेरिया चलाकिया ने, तेरिया सियाणपा ने किते कम नहीं होना। जे किते तू रब्बी गुण धारण कर लवे, ऐ शाक संबंधी परिवार सब स्वार्थ ते बने ने। जे किते रब्बी भगती नूं अपने मन विच रख लवे, तेरे हर थां ते कम आना। जदों गुरगद्दी मिली 22 मंजियां लग गईआं, किन्ना कूड दा पसारा हो गया। उन्हां कोल मसंद ने, उन्हां कोल प्रचार करन वाले ने, पर 22 मंजियां ही भज गईआं। गुरु तेग बहादुर साहब कोल भगती है, कोठे च चढ़ चढ़ के रौला पाउण लग गए, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। मना तेनू क्यों नहीं यकीन आउंदा भी कम ते तेरे भगती लई आउणा है। कल्ले गुरु तेग बहादुर साहब की भगती 22 मंजियां नूं उखाड़ के भजा दिंदी है। इन्नी ताकत उहदे विच, नानक थिर हर भगत है। 22 मंजियां भज गईआं, नहीं रुक सकीआं। फिर इत्थे बस नहीं, आनंदपुर साहिब वसाया। उत्थे भी माखो वाल ना दे किसे भैड़ी वृत्ती वाले मनुख दा, उस बंदिया दा उत्थे प्रभाव है। पर गुरु तेग बहादुर साहिब दी भगती ने उत्थे इहो जी मैली वृत्ती वाले सारे भजा दिते, ते एक बिना खलोता। ते अज भी आनंदपुर साहिब दी धरती संसार नूं आनंद वंड रही है। नानक थिर हर भगत है, किते रब्बी गुणा नूं धारण कर लवे उहदे मुकाबले च है ही कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर साहिब दा ही एक वचन कहण लगा,
राम नाम उर में गए हो, जंग के सम नहीं कोई। मैं तो गिरदे च रब के नाम नू रखे है, ते उदे बराबर ही कोई नहीं, उदी बराबरता ही करन वाला कोई नहीं, तां करके मेरे सामने कोई खलोंदा ही नहीं है, किसी की ताकत ही नहीं। गुरदेव ने कैसे प्यारे बचन बख्शिश किए ने, कितने मनुख मन जाए इन बचन। वो कहने मैं तेरे अपना निजी तजर्बा, मेरी जिंदगी का निजी तजर्बा देख लै, मेरे को भगती सी, दूजे लोग वह किन्ने देवी देवतियां नूं मनन वाले सन। जदों औरंगजेब उन्हां दे जनेऊ लाउण लगा, जदों मत्थे दे टिक्के मटाउण लगा, जदों मंदर ढाउण लगा, जदों उन्हां दे धार्मिक स्थानां नूं खत्म करन लगा, उन्हां दे देवी देवतियां च कोई न खड़िया, एक भी नहीं है। पूजण वाले किन्ने ने, पर चल के आ गए गुरु तेग बहादुर साहिब नूं कहण लगे, जिहड़ी तेरे कोल भगती है ना, उदे च तां ताकत है भी औरंगजेब दी बांह पकड़ लवे, पर साडे कोल नहीं। कबीर साहब दा बचन याद कर लईए, नावन को तीर्थ करे मन बौरा रे, पूजन को बहु देव कहो कबीर, छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की सेव, आशा की वार रोज दुहाइयां पाके कहिंदी है, छोड़ी ले पखंडा नाम लय जाहे तरन दा, उत कुचे रब दी भगती नूं जीवन दा अंग बना दवे। चांदनी चौंक कहिंदा है, चांदनी चौंक दवाइयां पाके कहिंदा है, ओ लोक कहिंदे सन शिवजी बहुत वड्डा है, ओ लोक कहिंदे सन ब्रह्मा बहुत वड्डा है, ओ लोक कहिंदे सन देवी देवते बहुत वड्डे ने, ओ लोक कहिंदे सन इंदर बहुत वड्डा राज करदा है, पर चांदनी चौक नूं पुछ के देख कि जनेऊ नूं बचाउण वास्ते शिवजी आया सी, कि जनेऊ नूं बचाउण वास्ते कोई ब्रह्मा जी आया सी, कि जनेऊ नूं बचाउण वास्ते कोई आया सी। चांदनी चौक दुहाइयां पा के कहिंदा, इत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब आया सी ने, जिन्हें जनेऊ बचाया सी। निज कर देखियो जगत में को कहूं को नाहे, कोई कम नहीं आया, नानक थिर हर भगत है, रब्बी गुण जड़े ने, रब दी भगती जड़ी है वो तेरी कम होनी है मना। गुरु तेग बहादुर साहिब जी आखते ने, कहने वेख मेरे बल, इन श्लोकां दी विचार बहुत ध्यान नाल करन दी लोड़ पैंदी है। एक ख्याल मैं होर देख के फिर समाप्ति वाले पासे नूं जाइए, बड़ी तवज्जो दे के सुनो। रब जाने सिख क्यों नहीं सुचेत हुंदा, जो कोल इहदे कोल है ना, बदकिस्मती लोग लोहा भी सोने दे भाव वेच गए, इहदा सोना भी लोहे दे भाव नाल विक सकिया। इहदा सोना है पर लोहे दे भाव ना बेच सकिया, लोकां लोहा ही सोने दे भाव बेच लिया। किड्डा महान विरसा इहदे कोल, पर दस ही नहीं पाया। मैं उदाहरण देण लगा सां, एक लंबी लिस्ट है धर्मी लोकां दी, जदों उन्हां नूं प्रीख्या देनी पई, एग्जाम देना पिया, अपनी सच्चाई का सबूत देना पिया, तद उदे नाल रहन वाले, उनू समझन वाले, उनू बिल्कुल मनन वाले, उन्हां लोकां ते भी थोड़ी बहुती सख्ती हुई। एक लम्मा इतिहास है, वो पीर पैगंबर तां अपनियां गवाहियां दे गए, पर नाल रहन वाले मनुख रो गए। हज़रत ईसा दुनिया भर च मशहूर है, केवल 30 दमड़े पिछे, 30 दमड़े पिछे उहदे नाल दा नज़दीकी चेला हज़रत ईसा मसीह नूं पकड़ा देता है साडे सामने। सुकरात ने जहर दा प्याला पीता, आखरी वेले उहदे भी मुरीद उहदे नाल ना निभ सके।
मनसूर दा अत दा नजदीकी बहुत नेड़े दा उन्हूं समझण वाला निक्की निक्की गल नूं उहदा दोस्त है शिबली वह भी आखिरी वेले लोग पत्थर मारदे ने और देखण लग्या लोग मेरे वल देखते ने भई ये भी कुछ मारदा मैं भी कुछ ना कुछ भगा के मारा उन्हें फुल भगा के मारिया पर जब फुल भज्या सी मनसूर धाहां मार के रोकिया सी कारी फुल ने जा डारी चोट चोट मारी ताहां मार मनसूर यूं कहन लगा पत्थर दो चार तो भी मार लें दो अरशी किंगरा कदों सी कहन लगा वो इन्हां पत्थरों का दुख तो कुछ भी नहीं मैं तो सूलियां दे दुखड़े सहन लगा इन्हां पत्थरों के दाग लथ जाने पर तेरे फुल का दा दाग नहीं हो रहन लगा तू नजदीकी होके तू मेरे आप कुछ मेरे साथ छड़ गए शर्माद फकीर उन्हों औरंगजेब ने कतल किया सी जदों आखिरी वक्त कतल कर लगे उदे नाल दे चेले छड़ के कहिंदे असीं इहनूं जाणदे भी नहीं किन्नी लंबी लिस्ट है पर गुरु तेग बहादुर साहब नाल तीन गए भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी ते तिन्ने दे तिन्ने शहादत दा जाम पी जाण उन्हां चों इक भी मनुकर ना होया होवे पर फिर भी गुरु तेग बहादुर साहब ए बचन कहणे निज कर देखियो जगत में को काहूं को नाही नानक तेर हर भगत है ते राखो मन माने इहनूं दुनिया भी रिश्ते नाल ना जोड़िए बहुता इहदा अर्थ है दुनिया विच तेरे नाल जाण वाले तां तेरा साथ निभागे गुरु तेग बहादुर साहिब जी फिर तुसीं क्यों कहिंदे हो वी कोई काहूं को काहूं को नाही ओह कहिंदे जिन्ने विकार तों चुकी फिरना है जिन्हां गल्लां नूं तूं चुकी फिरना इहनां चों किसे ने तेरे कम नहीं आउणा रब दे मलाप विच रब्बी मलाप विच केवल ते केवल नानक थिर हर भगत है उहने तेरे कम आउणा है मेरे कोल भगती ही सी मेरे कोल रब्बी गुण ही सन अज तक मंदिरां दे बूहे खुले ने ना सजना उस भगती दे कारण है अज तक लोकां दे गला च जिने उह ने ना ते उह भगती दे कारण है अज तक लोकां दे मथियां ते टिक्के ने ना ते भगती दे कारण है वेख मेरे कोल भगती की सी जिहड़ी मैं अपने पुत नूं दे के गया लोग सोचदे सन गुरु गोबिंद सिंह नूं उजाड़ दिता उहदा सरबंस बार दिता पर उहदे कोल भगती सी लोकां च भी कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचील तक तेबन कुरान की पाप परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते सहक विधान की देवी देव द्योहरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की पावन पवित्र सूर केंगे जे किते मूर्त न होती जोपे करुणा निदान की पावन पवित्र सूर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जे किते तूं ना ना हुंदा अज मंदरां च लोक अल्लाहू अकबर दियां आवाजां लाउंदे अज किसे दे मत्थे ते तिलक ना हुंदा लोकां दियां सुनता हुंदियां अज वेद पुराण कोई ना खुल के वेख सकदा केवल ते केवल कुरान मजीद प्रकाश हुंदी लोकां दे घरां च नानक थिर हर भगत है मन तेन फिर भी इतबार नहीं आता भी रब्बी गुण एडिया एडिया मुसीबतों के बच्चों भी लंघ के तेरी झोली में सच पा देंगे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का अपना अनुभव है निज कर देखियो जगत में को काहूं को नाही नानक थिर हर भगत है ते रख मन माहे उनू मन में रख अरदास करिए सतगुरु विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ इहो भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।